हेलो माय डियर लवली किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट, फाइन एंड वेरी हैप्पी एट योर होम। वेलकम बैक इन योर रिविजन वीडियो एंड वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू अगेन। हमने बहुत सारे अक्षर सीख लिए हैं, इसलिए हम फटाफट से उनका रिविजन करेंगे, उसके बाद फिर हम उसके आगे पढ़ेंगे। ओके, सो ये है क ख ग घ इंघ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण। और हमने ये भी पढ़ लिया है त थ द ध न। आज हम नया पढ़ने वाले हैं ये प फ ब भ म। ठीक है, फॉर टुडेज एक्टिविटी आई एम टेकिंग माई ग्रीन क्रेयॉन। तो हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले प, इसके लिए हमको एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लेके कर्व करना है ऐसे, और उसी के बाजू में एक स्टैंडिंग लाइन बन जाएगी और हमारी छत, ये बन गया हमारा प। ये हमने बनाया एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और उसको लिया कर्व के साथ, फिर हमने एक और स्टैंडिंग लाइन बनाकर उसको जोड़ दिया और हमने उसकी छत बना दी ताकि बारिश हो तो वो भीग ना जाए, है ना। ये हमारा बन गया प। प से पत्ती, प से पतंग भी होता है, है ना। अब हम अगला क्या देखेंगे, अगला है हमारा फ। जैसे हमने प बनाया था वैसे ही हम प बनाने के बाद ये एक छोटी सी पूंछ लगा देंगे उसमें, ये लग गई हमारी पूंछ, ये बन गया हमारा फ। और ये हमारी छत। फ से फूल और फ से फल भी होते हैं। अब फलों को पानी से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए हमने छत भी तो बनाई है, तो ये हमारे फूल नहीं भीगेंगे। उसके बाद हमारे घर पे क्या जलता है सब जानते हैं क्या है? हाँ, ये है लाइट। लेकिन ये लाइट में भी ख़ास तौर पे ये क्या है? बल्ब। ब से बल्ब, ब से बकरी भी होता है। बल्ब एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन हम बहुत कॉमनली इसको बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको आपके लिए लिया है ब से बल्ब। ये एक स्टैंडिंग लाइन हुई और एक छोटा सा सर्कल बनाया यहीं पे जोड़ के और उसको ऐसे कट कर दिया, ये बन गया हमारा ब। और बल्ब को भी हमने बारिश से बचाने के लिए छत बना दी, है ना। अब हम क्या बनाने वाले हैं, क्या दिख रहा है? ये टेडी बेयर। वो तो इंग्लिश वर्ड है, इसको हम हिंदी में भ से भालू बोलते हैं। और हम भ बनाएंगे कैसे? एक छोटा सा सर्कल नीचे तक गया, छोटा सा सर्कल लिया उसको नीचे तक लेके गए और उसके बाद यहाँ पे एक और छोटा सा सर्कल लेके साइड में लेके गए, है ना। फिर उसके बाद इसके साइड में एक स्टैंडिंग लाइन बना के उसके ऊपर छत बना दी, ये हो गया हमारा भ से भालू। भ से भालू। अब हम बनाएंगे म। म से माला। म से माँ भी तो होता है, मम्मी को हम माँ भी तो कहते हैं, है ना। चलो हम म बनाएंगे, जिसके लिए हमको सिर्फ एक हाफ स्टैंडिंग लाइन बनाई हमने, उसके साइड में छोटा सा सर्कल बना के उसको साइड में लेके गए और उसके एक और बाजू में स्टैंडिंग लाइन बना दी। और अब ये बन गई हमारी छत, ये है हमारा म से माला। तो हमने आज सीखा प से पत्ती, फ से फूल, ब से बल्ब, भ से भालू और म से माला। लिखने की प्रैक्टिस करनी है और नया नया हमेशा सीखते रहना है, है ना। बाय बाय।